तो अभी हम अमिता कानेटकर दीदी की शेयरिंग को सुन लेते हैं। अमिता दीदी का ब्रीफ परिचय रख देती हूँ। अमिता दीदी फिनेंशियल एडवाइजर रही हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल कंपनी में। 17 ईयर का दीदी का एक्सपीरियंस है। दीदी ने फर्स्ट यूएचवी वर्कशॉप मार्च में किया 23 में ही, और UHV 2 का भी उन्होंने मई में वर्कशॉप किया। दीदी PPI कॉलिंग में वॉलंटियर करती हैं ऑनलाइन वर्कशॉप में, और दीदी ने फेस टू फेस FDP भी अभी अगस्त में पुणे में अटेंड किया है। तो दीदी आपका स्वागत है। नमस्ते अमिता दीदी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते दीदी। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल, और नमस्ते नमस्ते प्रिया दीदी, नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते और को एक्सप्लोरर्स। जैसे कि दीदी ने अभी मेरा शॉर्ट परिचय रखा, मैं अमिता करंदीकर, मैं ओरिजिनली मुंबई से हूँ, अभी पूना में स्थित हूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों रहते हैं। मेरे हस्बैंड का पहले बिजनेस था, वो स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर्स प्रिंटिंग प्रिंटिंग करते थे, तो मैं भी उसमें सहयोग उनको उनको दिया करती थी। अभी उन्होंने वो बंद किया है, बस हम दोनों रहते हैं। और हमारा बेटा, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी HSBC सॉफ्टवेयर में है। और मेरी बहू टाटा टेक्नोलॉजीज में है, तो वो दोनों हमारे घर के पास में ही रहते हैं। तो ये मेरा संक्षिप्त संक्षिप्त परिचय है। और जैसे दीदी ने बोला कि UHV के साथ अभी 2023 से ही जुड़ी हूँ, एक 7 से 8 महीने हुए हैं, और ये मॉर्निंग सेशंस मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ। तो जो हमने एक्सरसाइज 1 और टू किए, तो उसका एक संक्षिप्त मेरी तरफ से रख देती हूँ। तो जैसे ही हमने एक्सरसाइज 1 शुरू किया, तो उसमें जो पहला स्टेप था कि अपने विचारों को देखना है, अपने कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसे देखना है, और आपको आपके भाव को देखना है, भाव को समझना है। तो ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट स्टेप लगा मुझे। और ये जैसे ही मैंने इसका इसकी प्रैक्टिस शुरू की, तो धीरे धीरे मैं अवेयर होने लगी कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या भाव चल रहा है। तो पहले तो ये पता चला कि काफी सारे वेस्ट थॉट्स मुझ में आते थे, जैसे पास्ट की कोई बातें, फ्यूचर की बातें, या फिर कभी कुछ गलत हुआ वो बातें। तो इस तरह से बातों के बारे में मैं सोचती थी। और मेरे भाव जो है, वो भाव भी जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो वो बीच बीच में ऊपर नीचे होते थे। तो जब पहले मैं अवेयर थी नहीं, तो उसके बारे में पता ही नहीं चलता था मुझे कि मैं क्या सोचे जा रही हूँ और मेरे भाव कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन जब से मैंने अवेयर होना शुरू किया है, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि मुझे कैसे सोचना है, मैं क्या सोच रही हूँ, और मेरे भाव को मुझे सही रखना है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। जैसे शुरू शुरू में हमारा डेली रूटीन जो होता है, उसमें काफी बार मैं डिस्टर्ब हो जाती थी बहुत छोटी छोटी बातों को लेके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं लिफ्ट के सामने खड़ी हूँ, 10 मिनट हो गए लिफ्ट ही नहीं आ रही है, तो मेरा भाव बिगड़ जाता था, मैं डिस्टर्ब होती थी। मैंने जैसे नीचे उतरी, मैंने 2 व्हीलर स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मेरा भाव बिगड़ा। ट्रैफिक जैम है, तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। घर में भी कुछ ऐसे चीजें होने लगी, अगर मेड नहीं आई है या लेट आई है, तो मैं डिस्टर्ब होती थी। तो मैंने ये पाया कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीजें ही अक्सर आती है। तो इतनी छोटी चीजों में अगर मेरा भाव ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा पहले डिस्टर्ब डिस्टर्ब होती थी। लेकिन अब जैसे ही ये एक्सरसाइज 1 शुरू हुआ और मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि नहीं, मुझे एक अपना भाव मेंटेन करके चलना है, जितना मैं सहज रहूं, अपने साथ हारमोनी में रहूं, उतनी रहने की मुझे
कोशिश करनी है, और इतनी छोटी छोटी बातों से मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। तो ये जब मैंने इसके ऊपर काम किया, तो कुछ दिनों के बाद मैंने पाया, एक इंसिडेंस बता देती हूँ। एक मैं शाम को मेडिटेशन क्लास के लिए जाती हूँ एक जगह पर, तो वहां पर अभी क्लास शुरू होने वाला था और कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे, थोड़ा शोर कर रहे थे। तो जैसे ही उनकी आवाजें भी आ रही थी, तो बाकी सारे लोग भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होने लगे। मैं डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन मुझे वो शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन मैंने अंदर एक ये किया हुआ था, ठान लिया था कि नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे स्टेबल रहना है। तो मैं शांति से बाहर गई और उन बच्चों से शांति से बात की कि बच्चों, यहाँ पर क्लास चल रही है, आप प्लीज वो साइड जाकर खेल सकते हैं। तो ऐसा बोलने के बाद बच्चों ने माना भी और वो वहां से चले भी गए। फिर मैं अंदर आई, बहुत अच्छे से क्लास क्लास वगैरह हो गया। पर उसके बाद जब मैंने उस इंसिडेंस के बारे में सोचा कि ये अगर पहले हुआ होता, UHV के पहले या मॉर्निंग सेशन के पहले हुआ होता, तो एक तो मैं डिस्टर्ब होती और मैं उन बच्चों से भी थोड़ा ऊंची आवाज में बात करती, या थोड़ा चिल्ला के, थोड़ा गुस्सा होके, इस तरह से मैं उनसे बात करती। तो अभी जैसे ये प्रैक्टिस शुरू की है कि अपने भाव के ऊपर अटेंशन देना है, क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर अटेंशन देना है, तो मैंने उसी भाव में रहकर उन बच्चों से कम्युनिकेट किया, शांति से कम्युनिकेट किया, और उन तक वो बात में पहुंचा भी पाई। तो ये इंसिडेंट से मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने भाव में कायम रही, और जो भाव और जिस तरीके से उनसे बात की, तो बच्चों के मन में भी मेरे प्रति कुछ गलत विचार नहीं चले, या कुछ उनको भी ऐसे गुस्सा नहीं आया कि उन्होंने भी रिएक्शन नहीं दिया, तो उन्होंने भी वो बात मानी और वहां से चले गए। तो ये चीज को मैंने नोटिस किया कि अगर आप शांति से और सही भाव से, सही समझ से अगर आप किसी से बात करते हो, तो वो बात लोगों तक बहुत अच्छी तरह से पहुंचती है और लोग उसे स्वीकार भी करते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज मैंने नोटिस की कि जैसे यहाँ पर हम कहते हैं एक्सरसाइज 1 में कि जो विचार आ रहे हैं, क्या वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, जो भाव आपका बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि हाँ, ये विचार जो है ये मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, और जो भाव है, सही समझ है, सही अंडरस्टैंडिंग है, ये भी मेरे हाथ में ही है। तो इसका कंट्रोल अगर मेरे हाथ में है, तो मैंने अपने आप को पहले से थोड़ा ज्यादा पावरफुल पाया कि चलो, अगर ये मेरे हाथ में है, तो क्यों ना मैं अच्छा ही सोचूं और मैं सही भाव के साथ ही रहूं। तो ये चीज मैंने नोटिस भी की कि मेरे घर पर भी जब मैं अच्छे विचार के साथ और अच्छे भाव के साथ होती हूँ, तो वो रेडिएट होता है घर के वातावरण में, और घर का वातावरण भी हल्का रहता है, और दूसरा व्यक्ति भी उसके अच्छे भाव के साथ, अच्छे फीलिंग के साथ रहने में उसे मदद मिलती है। तो ये एक तरह से मैंने पाया कि मेरे हार्मनी में रहने से मैं खुद को तो उसका बेनिफिट मुझे तो मिल ही रहा है, पर जैसे मेरा घर का वातावरण भी अच्छा हो रहा है, और जैसे ये इंसिडेंट्स में मैंने उन बच्चों से भी जिस तरह से बात की, तो वो भाव जो है वो उन बच्चों तक भी पहुंचा पाई मैं, और उन्होंने भी वो अच्छे अच्छे भाव को उन्होंने लिया, उनके मन में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया। तो ये मुझे उसमें ऐसे लगा कि ये मेरी ज्यादा जिम्मेवारी है कि मैं अच्छे भाव के साथ रहूं, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ रहूं, क्योंकि मैं जहां पर भी जाऊंगी, अगर मैं इसी सोच को लेकर जाऊंगी, तो वही मैं रेडिएट करूंगी। तो मैं सोसाइटी में कहीं भी जाती हूँ, रिलेटिव से मिलती हूँ, फ्रेंड से मिलती हूँ, तो अगर यही भाव मैं रेडिएट करती हूँ, तो मैं खुद तो हार्मनी में हूँ, मैं दूसरों की भी हेल्प कर रही हूँ, उनको भी मैं अच्छा भाव मैं पहुंचा रही हूँ। तो ये मुझे ऐसे लगा कि मेरी
जिम्मेवारी और बढ़ गई है कि नहीं मुझे सच्चे मतलब अच्छे अंडरस्टैंडिंग में ही रहना है। ये एक्चुअली ये बस शुरुआत है, ये कभी कभी हो पाता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता, कभी कभी फट से एकदम मैं रिएक्ट भी कर देती हूँ। लेकिन ऐसे होता है जब भी ऐसे रिएक्शन कभी कभी जाता है तो उसके बाद इमिजिएटली ये पता चलता है कि हाँ नहीं यहाँ पे मैंने ना रिएक्ट कर दिया, मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे ऐसे बोलना चाहिए था, मुझे इस तरह से बिहेव करना चाहिए था। तो जो हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं तो ये मैं कर पा रही हूँ, और ये शिफ्ट मैंने अपने आप में देखा है कि जब भी मेरा भाव थोड़ा बिगड़ता है तो भी मैं उसमें ये देख पा रही हूँ कि इसके पीछे मेरी सोच क्या चल रही है, कि मेरा भाव अगर बिगड़ा तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही हूँ किसी के बारे में, या मैं किसी और चीज को लेके परेशान तो नहीं हूँ। तो मैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर पाती हूँ। तो ये एक शिफ्ट मुझे लगा कि मुझ में आया है जैसे ही ये मॉर्निंग सेशंस शुरू हुए हैं। तो ये एक शिफ्ट को मैंने पाया कि जैसे हम राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग को कहते हैं, उसका कितना महत्व है कि आप अपने साथ खुद के साथ अगर हार्मनी में रहते हैं तो अपनी भी आप हेल्प करते हैं और दूसरों की भी आप हेल्प कर पाते हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरी रही एक्सरसाइज वन वन के साथ। और जो एक्सरसाइज टू हमने किया कि स्वयं के साथ शरीर को भी देखना है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा थोड़ा इसको देख पा रही हूँ कि हाँ मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। मेरे आजू बाजू सब जगह पे एक जो स्पेस बना हुआ है, सारे यूनिट्स को मैं अलग अलग एंटिटी के रूप में भी देख पा रही हूँ, और जो संवेदना मुझे मिलती है शरीर के थ्रू, उस संवेदना को भी पढ़ना और उस संवेदना को मैं अर्थ दे रही हूँ, ये स्टेप को भी मैं देख पा रही हूँ कि इसे मैं किस तरह से इस संवेदना को मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर काफी बार मुझे अपने में जो मान्यताएं बनी हुई है या मेरी जो प्री कंडीशनिंग है, जो जो समझ है जो बचपन से लेके अभी तक जो बनी हुई है, वो भी काफी बार दिख जाती है कि हाँ जो संवेदना मुझे आ रही है तो इसको जो मैंने अभी अर्थ दिया तो उसके पीछे ये एक मान्यता है, उसके कारण मैं उसको उस तरह से देख रही हूँ। तो ये भी मैं रियलाइज मतलब मुझे हो रहा है। और जैसे कभी बाहर की परिस्थिति और बाहर के लोगों का व्यवहार, जैसे हम डेली लाइफ में हम जीते हैं तो हम रिलेशनशिप में इतने सारे लोगों के साथ रहते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, हम घर से बाहर गए तो इतने सारे लोग आपको मिलते हैं। तो ऐसे हो जाता था कि किसी व्यक्ति ने मुझे थोड़ा चिल्ला के बात की, ऊंची आवाज में बात की, या कभी मुझे कुछ गलत बोला, तो पहले ऐसे होता था कि मैं थोड़ा गिल्ट में जाती थी। मैं ये सोचती थी कि अरे ये व्यक्ति तो मुझे इतने सालों से जानता है, फिर उसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा क्यों बोला, ऐसे कैसे बोला, तो मेरी क्या क्या मेरी ही गलती है, तो क्या मैं ही इस लायक नहीं हूँ, ऐसे कुछ तो भी मैं सोचने लगती थी, थोड़ा गिल्ट में जाती थी यूएचबी के पहले। लेकिन जैसे ही यूएचबी का कंटेंट और ये मॉर्निंग सेशंस सुने हैं तो ये समझ अभी विकसित हुई है कि दूसरा व्यक्ति जो भी इस तरह से व्यवहार कर रहा है, अगर वो इस तरह से कुछ बोल रहा है, कुछ व्यवहार कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उनके विचार में गलत चल रहा है, उनका भाव थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, जिस कारण से वो व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है या व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे हो रहा है कि अभी मैं लोगों को ज्यादा समझने लगी हूँ। अभी
इसका पूरा जो ब्लेम है वो ब्लेम मैं अपने ऊपर नहीं लेती हूँ कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति अंदर से बहुत डिस्टर्ब है इसलिए वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो ये मैं देख पा रही हूँ, और उस व्यक्ति के प्रति कंपैशन और सिंपथी भी दिखती है कि अगर वो इस तरह से कुछ व्यवहार कर रहा है तो मुझे उसको पहले तो मुझे स्टेबल रहना है, मुझे मेरे भाव में अच्छी तरह से रहना है, और मुझे उसकी हेल्प भी करनी है कि उसके पीछे का रीजन क्या है, वो क्या सोच रहा है, ये उसके साथ बात करके ये जान लेना कि क्या उसकी कौन सी सोच उसे परेशान कर रही है। तो ये मैं समझने का प्रयास करती हूँ, और इसके ऊपर उस व्यक्ति के साथ आराम से शांति से बात करना और उनको समझ लेना। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक उपलब्धि मुझे मिली है इस मॉर्निंग वर्कशॉप से और UHV से, कि मैं दूसरों को अभी समझ पाती हूँ। जैसे UHV जैसे ही स्टार्ट किया और ये सेशन स्टार्ट हुए तो मुझे लगता है मैंने अपने आप को समझने का प्रयास मैं कर रही हूँ, मतलब उस जर्नी पे हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने आप को समझने का प्रयास किया, मैंने अपने आप को जाना एज ए ह्यूमन बीइंग कि मैं कैसा सोचती हूँ, कैसा व्यवहार करती हूँ, इसका रिलेशन क्या है, कैसे वो बाहर आउटकम व्यवहार में आता है, तो उसी तरह से दूसरे व्यक्ति का भी सेम प्रोग्राम है। तो ये जब मैंने जाना तो रिलेशनशिप्स काफी अच्छे अच्छे हुए, स्मूथ हुए, और ये पूरे कंटेंट से और मॉर्निंग सेशन से एक ये उपलब्धि हुई कि मेरा खुद का खुद के साथ रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत प्यारा होने लगा है। जो पहले इतना अच्छा मैं खुद को नहीं समझ पाती थी, तो इससे मुझे लगता है मैं अपने आप से मिली हूँ, अपने आप को मैं बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ, मेरा खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनने बनने लगा है। और ये एक अच्छी उपलब्धि है UHV और मॉर्निंग सेशन से, कि अगर मैं अपने साथ हारमोनी में रहती हूँ, मेरा खुद के साथ अगर अच्छा रिश्ता है तो ही मैं फैमिली मेंबर्स के साथ या सोसाइटी में जिनसे भी मिलती हूँ उनके साथ मैं अच्छा रिश्ता निभा पाऊंगी। तो ये एक मुझे बेसिक स्टेप लगता है कि अगर मेरा मेरे खुद के साथ अच्छा रिश्ता होता है तो मैं बाहर भी अच्छे से रिश्ते निभा पाती हूँ, और नेचर के साथ, बाकी बाकी यूनिट्स के साथ भी एक रिलेशनशिप को देखना ये भी मुझ में आ गया है। पहले थोड़ा एनिमल्स से, स्पेशली कुत्तों से थोड़ा डर लगता था मुझे, मैं थोड़ा ऐसे जब भी मैं देखती हूँ मैं एकदम से डर जाती हूँ, डर जाती थी पहले, तो अभी ऐसे नहीं होता है। मैं ये बात अभी जान गई हूँ कि हाँ, जैसे मैं एक यूनिट हूँ, वो भी एक यूनिवर्स का हिस्सा है, वो भी एक यूनिट है, तो मुझे उनसे डरना नहीं है। एक रिलेशनशिप का भाव मैं महसूस करती हूँ सबके साथ, ना कि मतलब जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ तो है ही, जैसे बाकी के लोग भी हैं सोसाइटी में, इतने सारे लोग हमें मिलते हैं, जैसे हम रिक्शा में बैठे तो रिक्शा वाला है, सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, जैसे कचरा उठाने की बाई आती है वो है, तो इन सबको मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कि वो भी एक कोएग्जिस्टेंस है सेल्फ एंड बॉडी के साथ, जिस तरह से मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो उन सबके साथ भी मैं अभी रिलेट कर पा रही हूँ, नेचर के साथ, सारे लोगों के साथ एक रिलेशनशिप महसूस मैं कर पा रही हूँ। जो पहले थोड़ा मैं अपोजिशन के मूड में कभी कभी जाती थी, मतलब जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनके साथ रिलेशनशिप है, लेकिन अगर बाहर में कहीं जाती थी, किसी व्यक्ति का व्यवहार मुझे दिखता था तो मैं फट से अपोजिशन में चली जाती थी कि अरे ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि मैं उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, ये भी एक ह्यूमन बीइंग है मेरी तरह,
लेकिन उसके संस्कार थोड़े अलग हैं, या अभी वो उस संस्कार के थ्रू इस तरह से बात कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं करती हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये भी एक शिफ्ट मैंने पाया जब से मैंने मॉर्निंग सेशन शुरू किए हैं, कि नहीं तो कैसे होता था, अगर दूसरे व्यक्ति का संस्कार अलग है, व्यवहार अलग है, तो एक रिजेक्शन का भाव एकदम से आ जाता था। तो वो अभी नहीं आता है, मैं उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, ये भी एक मेरी तरह व्यक्ति है, उसके संस्कार अलग है, तो क्या हुआ, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग ये भी मेरी तरह ही है। तो ये रिलेशनशिप का भाव पूरी मतलब यूनिवर्स में मैं जहाँ भी जाती हूँ तो हाँ, ये मैं महसूस कर रही हूँ, और ये भी मैंने इसकी उपलब्धि इन मॉर्निंग सेशन से और यूएचवी से पाई है। तो और बहुत अभी और आगे जाना है, ये बस शुरुआत है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि सही समझ और सही भाव के साथ आपको हर क्षण रहना है, तो उसके लिए ये लंबी यात्रा है, और उस पर, लेकिन ये मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, इस जर्नी पर मैं चल रही हूँ, ये जर्नी स्टार्ट तो हुई है, जो पहले नहीं थी, अभी ये अवेयरनेस बढ़ी है कि सही समझ सही भाव मेरे में रहे, तो इसके साथ बस मैं चल पा रही हूँ। और जब भी कभी डिस्टर्ब होती हूँ तो ये भी देख पाती हूँ कि क्या गलत सोच चल रही है, या इसके पीछे क्या मेरी मान्यता है, क्या प्री कंडीशन है, या फिर सेंसेशन में आकर मैं कुछ सोच रही हूँ या कुछ निर्णय ले रही हूँ, तो ये भी मैं देख पाती हूँ। तो बस ये मेरी शेयरिंग है, ये दोनों एक्सरसाइज को लेकर, और आप सबका, सब यूएचवी टीम और पैनलिस्ट का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया ये जर्नी हमारे लाइफ में लाने के लिए, और आप सभी को एक्सप्लोरर्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, जी, धन्यवाद नमस्ते दीदी। दीदी। ठीक जी दीदी, कुछ कमिटमेंट के बारे में रख पाएंगे? जी जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मैंने जैसे ही यूएचवी बंद किया था मार्च एंड में, उसके तुरंत बाद ही अप्रैल से मैं सैटरडे मीटिंग्स में भी जुड़ रही हूँ, और वॉलेंटियरिंग में जो ऑनलाइन एफडीपीस होते हैं उसमें पीपीआई कॉलिंग में मैं जुड़ रही हूँ। तो उसमें एक्चुअली ये था कि मैं कंटेंट के साथ जुड़ी रहूं, ऐसा ना हो कि मैं उससे थोड़ा दूर जाऊं, कि जैसे ये कंटेंट मैं बार बार सुनूं तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन मैं कर पाऊं, तो उसके साथ मैं जुड़ी हुई हूं, और उसके आगे भी मुझे इसी तरह से और वॉलेंटियरिंग एक्टिविटीज में भी पार्ट पार्ट करना है। मतलब मैं पीपीआई में जैसे अभी हूँ, और भी वॉलेंटियर एक्टिविटीज में मैं करूंगी, और ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है तो इसे तो और आगे करना ही है। और इसके साथ साथ मुझे, मतलब जैसे मैं प्रेजेंटेशन के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, एक मैंने दिया था सैटरडे मीटिंग में, अभी उसके आगे भी मुझे करना है, तो उसकी भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। बढ़िया जी जी दीदी, बढ़िया दीदी, धन्यवाद दीदी। तो मैं अभी कुमार भैया को आमंत्रित करूंगी, भैया अमिता दीदी और साथी दीदी की शेयरिंग के बारे में अपना फीडबैक रखें भैया। जी सभी को नमस्ते। तो अमिता दीदी की शेयरिंग के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो बढ़िया शेयरिंग रही, प्रकार दोनों ही जो शेयरिंग रही उसमें स्टेप बाय स्टेप अपने ऑब्जर्वेशन को न रखते हुए जीने में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उस पर बात मुख्य रूप से हुई है, वो भी उपयोगी है। तो अमिता जी अभी हाल में ही जुड़ी हैं, परंतु तो उनका उत्साह अच्छा दिखा आज की शेयरिंग से। बहुत सारे मुद्दों पर गए, बहुत सारे छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स उन्होंने रखे, कैसे पहले इरिटेट और परेशान होती थी और वो रिलैक्स रहती हैं, व्यवहार में कैसे चूक होती थी अब वो चूके नहीं हो रही हैं, तो अच्छा है। परंतु मैं कहूँगा कि अभी आपने जो वर्कशॉप किया है दीदी इस साल, वो 3 डे फेस टू फेस था या 5 डे ऑनलाइन था अमिता जी? जी भैया, ये मैंने UHV 1 पहले ऑनलाइन किया, फिर UHV 2 भी किया,
ऑनलाइन दोनों के सर्टिफिकेट भी मिले, और फिर अगस्त में पीआईसीटी कॉलेज में फेस टू फेस एफडीपी थी, वो 3 दिन की थी। उमेश भैया, अनीता दीदी, अपराजिता दीदी, वो आए थे, तो वो मैंने 3 दिन का फेस टू फेस एफडीपी किया UHB 1 का। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, ठीक जी है ठीक है। तो और आपकी भागीदारी भी बनी हुई है, आप अपनी तरफ से भागीदारी। आपका समय कितना रहता है? आपके नाम के साथ लिखा, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, साथ में बताया गया था कि आप फाइनेंस एनालिस्ट हैं, तो जी जी भैया, आपका समय अभी कितना रहता है दिन भर में? जी भैया, अभी तो मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर रही हूँ, अभी मैं वॉलेंटरी वॉलेंटरी कर रही हूँ। तो वॉलेंटरी बस ज्यादा वहाँ पे काम मतलब होता नहीं है, एक 4-5 घंटा बस देना होता है, और अच्छा, मतलब बाकी फिर फ्रीलांसर है हाँ अभी? जी, तो मैं फ्रीलांसर, हाँ अभी तो मैं फ्रीलांसर ही हूँ वहाँ पर। तो और आपके अभी हस्बैंड क्या करते हैं? सॉरी आपके हस्बैंड? जी, मेरे हस्बैंड, उन्होंने भी, उनका जो बिजनेस था वो अभी उन्होंने बंद किया है, वो अभी शेयर ट्रेडिंग और मार्केट एनालिसिस, वो उनका मतलब वो चल रहा है, तो वो करते हैं अच्छा जी, मैं जी। इसलिए पूछ रहा था कि अगर आपका समय है तो और कुछ आप जी फेस टू फेस वर्कशॉप्स में आप आए, साथ में थोड़ा समय जी लगाए, है ना, जी तो आगे आपकी और अच्छी गति बनेगी। और जी आगे जो मॉर्निंग के सेशंस हैं उसमें आप जुड़े रहेंगी, तो अभ्यास के जो बिंदु हैं उस पे जी और ध्यान जाएगा। तो आपने जिस तरह के एग्जाम्पल्स दिए तो अपने अंदर विचार तो काफी चला है, जिसे अपने रिएक्शंस को पकड़ पा रहे हैं, है ना, और उसे हाँ हमारे व्यवहार में, हमारे रिस्पॉन्स में चेंज आया है। इतना तो जी हुआ है, परंतु उसके मूल में जाकर अपने भाव को देखना, उसके मूल में जाकर अपने संस्कारों को देखना, इसलिए थोड़ा और गहराई से काम करना है। तो मेरा सुझाव होगा कि तो मॉर्निंग सेशन को कंटिन्यू करें, दूसरा जो भी फेस टू फेस वर्कशॉप्स होते हैं उसमें अगर आप साथ में जुड़ पाए तो जी बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप ऑनलाइन मोड में भी जिस तरह से आप वॉलंटियरिंग करती रही हैं, तो उसको और अगर आप जी बनाए रखें तो अच्छी गति बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। एक एक्चुअली जनवरी में यहाँ पे पुणे में ही एक फेस टू फेस एफडीपी होने जा रहा है पीवीजी कॉलेज में, तो वहां पर भी मैं अवश्य जाऊंगी। UHV 2 का वर्कशॉप होने जा रहा है जनवरी में, तो पुणे में ही है, तो वहां पे मैं अवश्य जाऊंगी वो फेस टू फेस एफडीपी में। जी, बहुत बढ़िया दीदी।